30 अगस्त शुक्रवार और कुशोत पाटिनी अमावस्या के विशेष दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां शुभकामनाएं उन सभी लोगों को जिनका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी या फिर स्पेशल डे है। आज एक विशेष दिन है, ये जानकारी आपको मिलना जरूरी है। आने वाले समय में पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, उससे पहले ये कुशोत पाटिनी अमावस्या आज के दिन उखाड़ा गया। कुश और डाब जिससे एक हमारा आसन भी बनता है और पितरों को जब हम जल देते हैं तर्पण करते हैं तो उसमें झाड़ू के तिनके की तरह जो कुश होता है वह एक वर्ष पर्यंत उपयोग में लाया जा सकता है आज अगर उखाड़ें। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि घास को केवल हाथ से ही एकत्रित करना चाहिए, उसकी पत्तियां पूरी की पूरी होनी चाहिए, आगे का भाग टूटा हुआ न हो। इस कर्म के लिए सूर्य उदय के बाद कभी भी समय सही रहता है। उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कुशा को अत्यंत पवित्र माना गया है। वैदिक परंपरा में जप दान पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म में इसका विशेष योगदान है। आज के कार्यक्रम के अंत में आप घर में अगर अशांति है उसका उपाय जानेंगे। आज के जो हमारे ज्योतिष और योग की सीरीज है उसमें कुंडली में पुत्र के द्वारा या पुत्री के द्वारा धन योग क्या आपकी कुंडली में बनता है इसे जरूर देखिएगा। 4 सब्सक्राइबर की समस्याओं का समाधान करूंगा, हो सकता है आज आपकी समस्या का समाधान हो जाए, देखिएगा जरूर। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप हमारे मेरे लेफ्ट और आपके राइट में जो एक बॉक्स आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं जो आपके काम की चीज है। आज ग्रहों से बनने वाले बुध आदित्य योग, पराक्रम योग और लक्ष्मी नारायण के साथ साथ गज केसरी योग का साथ मिलेगा, लेकिन अमावस्या का दोष और श्राप पे दोष रहेगा। अगर आप आज कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य करना चाहते हैं इसके लिए शुभ समय नोट करिए, सुबह 8:15 से 10:15 या दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच में। कोशिश करें कि 10:30 से 12 बजे तक राहु काल के समय ये काम नहीं करें। अब आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र जान लीजिए, हो सके तो इसे अपनाइएगा जरूर। जब तक नजर लक्ष्य पर रहेगी मुसीबतें आपसे दूर रहेंगी और जब नजर लक्ष्य से हटेगी मुसीबतें ही आपको दिखाई देंगी। इसलिए लक्ष्य आपका क्या है याद रखिएगा। आज ग्रह कल की ही तरह हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। मिथुन राशि के राहु, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा 5 ग्रह सिंह राशि में। वृश्चिक राशि में देवताओं गुरु बृहस्पति शनि केतु का श्रापित दोष मैंने आपका राशिफल तैयार किया है, जिसे चंद्र राशि और लग्न पर आधारित है वैसे ही देखने का प्रयास करें। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि वाले लोगों को आज अपना ज्यादातर ध्यान अपने काम के प्रति जो ज्ञान है उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए। एकांत में बैठ के नोट्स बनाइए, ये मत सोचिए मैं 50 साल का हूँ, 70 साल का हूँ, मैं 20 साल की हूँ, कोई उम्र नहीं होती ज्ञान की। ज्ञान प्राप्त करिए। बिजनेस में पार्टनर के साथ आपसी समझ, दूरदर्शी सोच आपके व्यापार को बड़ा कर सकती है। करंट की प्रॉब्लम को ये मत समझिएगा अभी जिंदगी भर की प्रॉब्लम है, ये कुछ टाइम रहेगी, इसलिए इसे आप बीच में बचाव करके एक दूसरे के बीच में रास्ता निकालकर अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर आज आपको अपनी बात कहने से परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम एजिटेट हो जाते हैं, बुरा मान जाएंगे, घर जाके लगता है यार कह तो देता, कहना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को आज अपनी ज़ुबान पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बातों बातों में आपके मुँह से जाने अनजाने कोई बात ऐसी निकल जाएगी जो अगले को पिंच कर सकती है, दुखी कर सकती है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज खर्चों को लेकर कोई बहसबाजी और उससे कोई तनावपूर्ण स्थिति की वजह से कुछ अलगाव हो सकता है। किसी घरेलू बात को लेकर बहसबाजी को बतंगड़ की तरफ मत लेके जाइएगा। अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट को पार्क में जाके पढ़ाई करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा शौक भी होता है कि वो लड़े झगड़े के बिना रह नहीं पाते हैं, फिर बाद में उनको खुद को फील भी होता है कि हमने बच्चों के सामने क्यों लड़े झगड़ा किया। आप किसी पार्क में जाके लड़ाई झगड़ा करें, व्हाट्सएप पर लड़ाई झगड़ा करिए, बोल के लड़ाई झगड़ा मत करिए क्योंकि घर का वातावरण खराब होता है और फिर आपको एहसास होगा यार हम फालतू ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कुल्हों में दर्द, जॉइंट पेन तकलीफ दे सकता है, याद रखिएगा। यात्रा के अकारण योग बन रहे हैं। लकी कलर आपका ब्लू, नंबर 4 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को सुख और सुविधाएं जो मिली हुई है उसका पूरा लाभ लीजिए। सुख सुविधाओं को बढ़ाने का ध्यान दीजिए। जैसे आपने घर बनाया था, आपने जैकुजी लगाया था, टब लगाया था, लास्ट कब बैठे थे याद करिए, शायद याद भी नहीं आएगा आपको, तो ऐसी सुख सुविधाओं का आनंद लीजिए। ऐसी बहुत सारी सुख सुविधाएं हो सकती है आपके पास। दैनिक राशिफल के साथ साथ अगर आपने मेरा मंथली राशिफल भी देखा हो
तो मैंने आपको कहा था कि 30 अगस्त को चंद्रमा आप लोगों के वृषभ राशि वाले लोगों के चौथे रहेंगे, जो हो सकता है आज कोई अशांति, काम में डिले या डिस्टर्बेंस देते। अगर ऐसा होता है तो आप कूल और रिलैक्स माइंड में रहते हुए अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए काम को आगे बढ़ाएं। व्यापार में हो रहे नुकसान, घाटे, अशांति को कूल रहकर निपटाइए, क्योंकि वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता है। वर्क प्लेस पर आज आप पुरुष को महिला, महिला को पुरुष से बात करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को आज नेताओं से कुछ सुनना भी पड़ सकता है। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा, इससे रोमांचक और रोमांटिक माहौल बनाने में आसानी मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जनरल एग्जाम चल रहे हैं आने वाले टाइम में, परफेक्ट आपकी प्लानिंग चल रही है और आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, बल्कि अपने आप को हर पल पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सोचते हुए आगे बढ़िए। स्वास्थ्य को लेकर आज आप कुछ ज्यादा ही संजीदा रहेंगे, चिंतित भी हो सकते हैं। लकी कलर ग्रे, नंबर 6 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को आज अपने मित्रों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि जिसके मित्र अच्छे होते हैं उसको जीवन में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन नहीं रहता है। व्यापार में आज किसी भी तरह का निवेश सोच और समझ के करना चाहिए। वीकेंड की प्लानिंग हो सकती है। निवेश या लेन देन में सावधानी जरूर रखें। वर्क प्लेस पर आज सिर्फ काम की बात करें और वह भी सावधानीपूर्वक। एम्प्लॉयज की आज थोड़ी सी भी हो लेकिन इमेज बिगड़ सकती है। कोई आप पर झूठा लांछन आरोप लगा सकता है, लेकिन अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट, अपनी बातें, अपने सबूत सही रखे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ कर पाएगा। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपकी किसी से बात में असहमति हो सकती है, मनभेद और मतभेद हो सकता है, पर उसको झगड़े में मत तब्दील होने दीजिएगा। स्टूडेंट को आज अध्ययन में और खिलाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस में कॉन्सेंट्रेशन हटा और मुसीबत घटी, इसलिए इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मेडिटेशन का सहारा लेकर अपने ईस्ट को याद करते हुए आगे बढ़ें। स्लिप डिस्क, कमर के निचले में जिन लोगों को तकलीफ है उनके बढ़ सकती है। भार उठाने और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। लकी कलर पिंक, नंबर 3 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को आज अपना ज़्यादातर ध्यान अपने धन की तरफ होना चाहिए। धन को कैसे बढ़ाया जाए, धन पर विचार करना चाहिए, ताकि हम धनवान तो बने ही बने, लेकिन धन से धन कमाने की तरफ आगे बढ़ें। साथ में बिजनेस के जरूरी कार्यों को बिना रुके नॉन स्टॉप पूरा करने में लगे रहना चाहिए। नौकरी या दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने में आपको जरा सा भी विचार नहीं करना चाहिए, बदलाव पॉजिटिविटी की तरफ करना चाहिए। एम्प्लॉयज का आज फालतू के कार्यों में समय बर्बाद हो सकता है और बाद में आपको याद आएगा, स्पेशली शाम को, कि यार मैंने समय क्यों खराब किया। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में पैसों के बैलेंस बिगड़ सकता है। पैसों को लेकर झगड़ा हो सकता है। हो सकता है कोई खुशी आने वाली थी लेकिन पैसे वजह से अटक जाए, कोई बात नहीं, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को कड़ी मेहनत ही लाभ देगा, लेकिन आज सोशल मीडिया, कोई फ्रेंड्स या किसी और की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन गंभीर मानसिक सोच की वजह से कोई छोटी मोटी बीमारी जरूर हो सकती है। लकी कलर गोल्डन, नंबर 5 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को आज अपना ज्यादातर ध्यान अपने शरीर और मन की फिटनेस की तरफ होना चाहिए। बिजनेस में अटके हुए कार्य समय से पूरे हो, इसके लिए आपको आज ही कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट परफेक्ट रखिएगा। वर्क प्लेस पर आज आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप पुरानी बातों को भूलकर कोई नई शुरुआत करने की दिशा में विचार और कोशिश जरूर करेंगे। एम्प्लॉयज के लिए फाइल गुम हो जाने से परेशानियां बढ़ जाएगी। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ आज आप समय अच्छे ढंग से व्यतीत कर पाएंगे और लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। स्टूडेंट परीक्षा को जीवन मरण का सवाल बना लेंगे, लेकिन आप यही सोचिए, ये जिंदगी है, परीक्षाएं आती रहेगी, जाती रहेंगी, लेकिन हम कितने रिलैक्स रहते हैं, कितने कूल रहते हैं, उस पर हमारे परिणाम डिपेंड करेंगे। परीक्षा सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है, जिंदगी में कुछ सिखाने के लिए होती है, ये आपके जीवन की कसौटी नहीं है। सेहत पहले से बेटर रहेगी। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 2 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर चल रहे हैं या आपको लगता है कि आने वाले टाइम आ सकते हैं, ये दोनों पर आपको विचार करना चाहिए, लॉयर से मिलना चाहिए और साथ में अपनी लाइबिलिटीज़ को समझना चाहिए। अगर आप हमारे दैनिक राशिफल के साथ साथ मंथली राशिफल भी देखते हो, तो मैंने कहा था कि अगस्त माह में 30 अगस्त को चंद्रमा आपके बारे में रहेंगे, जो हो सकता है कि आपके किसी काम में डिले, डिस्टर्बेंस दे दे, तो आप यही सोचिए एक दो दिन की समस्या निकल जाएगी, कूल रहिएगा।
बिजनेस में, मार्केट में चल रही मंदी, महंगाई के इस दौर में, या महंगाई इतनी नहीं है लेकिन आमदनी उतनी नहीं हो पा रही जिससे हम खर्चे नहीं कर पा रहे हैं, इस पर बहुत जल्दी लगाम लगने वाली है और आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। वर्क प्लेस पर आज आपके बॉस हल्के से आपकी काम की वजह से नाराज हो सकते हैं, इसलिए उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए काम में परफेक्शन लेकर आइए। और अगर आप ये परफेक्शन लेकर आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एम्प्लॉयज को आज किसी विशेष काम की चिंता सताएगी और हो सकता है कि आप इससे डिस्टर्ब हो जाएं। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ स्वास्थ्य संबंधित मसलों पर बातचीत ही नहीं करें वरन इसे अपनाने की पूरी कोशिश करें। स्टूडेंट, अध्ययन में शॉर्टकट का यूज बिल्कुल भी न करें, उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप मोटापे को लेकर या अपनी किसी फिटनेस को लेकर अगर चिंतित है तो चिंतन करना शुरू करिए। लकी कलर व्हाइट, नंबर 9 शुभ है, भाग्य उदय का दिशा पूर्व रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को आज अपना ज्यादातर ध्यान अपने किसी प्रॉफिट की तरफ देना चाहिए। आज आपका जिस चीज में प्रॉफिट है, जिस काम से प्रॉफिट मिलता है, उसी को करने की कोशिश कीजिए। व्यापार में आज आपका मार्केट में अटका हुआ कुछ काम और पैसा निकल सकता है और पूरा हो सकता है। किसी से पैसों से संबंधित विवाद को मत बढ़ने दीजिए। प्यार मोहब्बत से आज के दौर में जितना पैसा निकल जाए उतना अच्छा है। हर जगह इंसान का पैसा फंसना, नुकसान और धोखा चल रहा है आज की तारीख में। वर्क प्लेस पर आज आपको सावधान ज्यादा रहना पड़ेगा। एम्प्लॉयज पर किसी कार्य को लेकर सीनियर से या फिर अपने बॉस से, मंत्री से, ऑफिसर से फटकार लग सकती है, इसलिए अपने काम में परफेक्शन और पंक्चुअलिटी जरूर रखिएगा। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप, हल्की फुल्की खटपट चलती रहती है लेकिन आप प्यार, सरप्राइज गिफ्ट और एक रोमांचक और रोमांटिक माहौल बनाकर इसे दूर कर सकते हैं। आज आप जो भी बोले वो सोच और समझ के बोले। स्टूडेंट की लक्ष्य पर नजर नहीं हटनी चाहिए, लाभ मिलेगा। डाइजेशन की समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। लकी कलर मैरून, नंबर 1 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को सिर्फ आज अपने काम से मतलब रखना चाहिए और काम को और बेहतर करने की तरफ विचार करना चाहिए। साझेदारी में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपकी कोई पार्टनर है या आपका कोई पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या फिर आपके कोई और तरह के पार्टनर हो, उससे बातचीत करके मसले का हल निकलेगा। बिजनेस आगे बढ़ने के चांस हाथ लगेंगे। दो बार ऐसे मौके आ सकते हैं जिसमें आप कुछ नया काम करने की तरफ आगे बढ़ सकें। हो सकता है सरकार की कोई पॉलिसी आपके खिलाफ हो सकता है आने वाले टाइम में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, उस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आपकी प्लानिंग से ऑफिस में सभी को तो नहीं लेकिन काफ़ी लोगों का आप प्रभावित जरूर कर पाएंगे। आज ऑफिस में आपके चर्चे रहेंगे। एम्प्लॉयज के सोचे हुए ज़्यादातर काम आज पूरे होंगे जिसकी खुशी आपके चेहरे पर नजर आएगी। हो सके तो छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी जरूर दीजिएगा। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ मनभेद और मतभेद सुलझाते हुए आज आगे बढ़ेंगे। आज आप दोनों के बीच ऐसी कुछ बात हो सकती है जो भविष्य में आपकी या बच्चों के लेकर या किसी और बात को लेकर एक अच्छा फैसला हो जाए, एक अच्छा मन बनेगा। आज स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ने और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं, इससे आपका खेल और पढ़ाई दोनों डिस्टर्ब हो सकती है, तो सावधानी रखनी चाहिए। सेहत पहले से बेटर हो रही है। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 7 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम है। धनु राशि वाले लोगों को आज अपना ज्यादातर ध्यान अपने आप को भाग्यशाली ही मानना चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स को याद रखिए जिसमें आपने कोई कारनामे किए थे, उन लम्हों को याद करिए जिस वक्त आपको अचीवमेंट मिला था। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास है जो लोगों के पास नहीं है, उसकी खुशी पहले मनाइए और अपने आप को भाग्यशाली समझिए। कुछ दो चार काम नहीं हुए या समय आज खराब है, इससे हम दुर्भाग्यशाली नहीं हो जाते हैं। बिजनेस और वर्क प्लेस पर आज आपको परेशानियां थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी लेकिन आप निकल जाएंगे। सोचे हुए ज़्यादातर काम तो नहीं लेकिन काफ़ी काम आपके पूरे ज़रूर होंगे। पहले उन कामों को निपटा लें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। वीकेंड की आज प्लानिंग बन सकती है। हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पर जाना, किसी अच्छी जगह पर जाने का मौका मिले। एम्प्लॉयज आज ध्यान रखें कि किसी वाद विवाद में पड़ने के पूरे चांसेस हैं। किसी ग्राहक से, किसी और से उलझ बैठेंगे और डिस्टर्ब कर देंगे अपने आप को। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के आज कोई अच्छी खरीदारी हो सकती है। किसी ऐसी चीज़ को खरीदने का मौका मिलेगा जो वाकई में आपके बहुत काम की है और बहुत समय से जिसकी आपको तलाश थी। हो सके तो आज आप खरीदारी के साथ साथ ये भी विचार बना लीजिए कि अब मैं पैसा कहाँ से कमाऊँगा। स्टूडेंट के लिए और खिलाड़ियों के लिए आज फ्रेंड्स और कोच, ये दोनों बहुत अच्छे वेलविशर आपके साबित होंगे। लकी कलर ब्लू, नंबर 6 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मकर राशि वाले लोगों को आज अपना ज्यादातर ध्यान यात्रा की तरफ देना चाहिए। यात्रा छोटी हो या बड़ी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, यात्रा का आनंद लीजिए। दैनिक राशिफल के साथ साथ अगर आप मेरा मंथली राशिफल भी देखते हो
तो मैंने बताया था कि 30 अगस्त को चंद्रमा आपके आठवें रहेंगे, जो हो सकता है कि आपको कोई काम में आज डिस्टर्बेंस या डिले हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप यही सोचिए एक दो दिन की समस्या निकल जाएगी। अपना और अपनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। कूल और रिलैक्स माइंड में रहते हुए डिसीजन लेकर पैसे कमाने की प्लानिंग में सफलता मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। वर्क प्लेस पर आज मिले जुले फर मिलेंगे। हो सकता है कि किसी में खुशी मिल जाए, किसी में गम मिल जाए, तो बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। एम्प्लॉयज़ की जगह चेंज होने से किसी नए रिक्रूटमेंट, कई बार हमारे ऑफिस में कोई नए बॉस आ जाते हैं, नए एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, तो उससे बना के चलने की कोशिश कीजिए। पहली मुलाकात में बिगाड़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें, ना ही हावी होने की कोशिश करें। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की पूरी प्लानिंग बन रही है। ये वीकेंड में भी आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलने जा रहा है, ब्लेसिंग मिलने जा रही है। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी हों, पढ़ाई से जुड़े हुए विद्यार्थी हों, दोनों को प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। अब बातें करने से काम नहीं चलेगा। कुंभ राशि वाले लोगों को माइंड योर ओन बिजनेस, ये किसी को आपने कहा होगा या किसी से आपने सुना होगा, इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने काम को बिल्कुल बारीकी से आज मजे हुए खिलाड़ी के तरीके से सोचना है कि मैं और इसको परफेक्ट कैसे करूं। बिजनेस में साझेदार की गतिविधियों पर नजर जरूर रखें, अन्यथा बाद में हल्का या फुल्का पछताना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हमें जीत मिलती है, तो जीत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। बस अपने अंदर जोश और जुनून को किसी भी कीमत पर कम होने मत दीजिएगा। एम्प्लॉयज का लोगों के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, इसे आपको बनाना पड़ेगा। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग इस वीकेंड में हो सकती है। लव लाइफ रोमांचक रहेगी, और रोमांटिक बनाने के लिए आप कुछ कमर कस के तैयार रहिए। पति पत्नी के मध्य बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाने में आज आप काफी हद तक सफल होंगे। एक अच्छा सा गिफ्ट अपने हाथों में जरूर लेकर घर जाइएगा। स्टूडेंट का आज कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मसल पेन, काफ में तकलीफ, घुटनों में ऊपर नीचे बैठते वक्त तकलीफ परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर ब्राउन, नंबर 3 सुबह, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मीन राशि वाले लोगों का आज अपना ज्यादातर ध्यान अपनी हेल्थ और फिटनेस की तरफ होना चाहिए, मेंटली हो या फिजिकली हो। बिजनेस में आज आपको अपने फालतू के खर्चों पर लगाम जरूर लगाने चाहिए। कई बार हमारे इनकम सही चल रही होती है तो हम भूल जलूल बहुत सारे खर्चे पाल लेते हैं, इनकम कम हो जाती तो खर्चे कम नहीं हो पाते हैं, फिर एक मेंटली भी डिस्टर्बेंस लगता है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूं, वो भी नहीं कर पा रहा हूं, इससे बचना चाहिए। जॉब चेंज करना, बॉस से बात करना, तब्दीली करने के पूरे योग हैं। थोड़ा समय और लगाना चाहिए, लेकिन खुश रहने के सारे काम करना चाहिए। जिस काम में खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए, जिसमें खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना जरूरी है तो खुश रहकर करना शुरू करिए। एम्प्लॉयज के कार्य से अधिकांश लोग खुश रहेंगे। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप के साथ घर से बाहर समय बिताने की प्लानिंग हो सकती है। ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं मेहनत वो परफेक्ट तरीके से करने की जरूरत है। ऐसा ही ख्याल स्टूडेंट और खिलाड़ियों दोनों को रखना पड़ेगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें, तीज और करवा चौथ के भरोसे बिल्कुल न रहें। हमारी गाड़ी है, हमारा खुद का शरीर है, हमें ही संभल के चलना पड़ेगा। लकी कलर येलो, नंबर 4 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। अब मैं वो खास सुबह आप सभी को बताता हूं, जो अशांति अगर हमारे घर में है, आप किसी भी घर में जाइए, यूं कहे 100 लोगों के घरों में अगर आप रिसर्च करोगे तो 95 लोगों के घरों में आप पाएंगे कि लोगों की बनती नहीं है। पिता पुत्र की, सास बहू की, बेटी की माँ से, और घर में कई तरह की उलझुल चीज़ें होती रहती हैं। झुग्गी झोंपड़ी में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें अशांति मिलेगी, महलों में भी अशांति रहेगी। ये बात और है कि झुग्गी झोंपड़ी की अशांति आप सब जानते हैं, लेकिन महलों की अशांति वो अंदर रहती है, वो बड़े आर्टिफिशियल हंसी रहती है दोनों के अंदर। ये अशांति तब होती है जब एक दूसरे पर पूरा विश्वास ना हो, शक हो, और एक दूसरे के काम नहीं आते। आज से आप कोशिश करिए कि पिता को अपने पुत्र के काम आना है, बस वो जैसा चाहता है वैसा करने की कोशिश करना शुरू करिए। गलत भी है तो बाद में ठीक हो जाएगा। ऐसा ही पुत्र को करना चाहिए, इस परिवार के लोगों को करना चाहिए, लेकिन अगर ये कर पाते हैं तो घर मंदिर बन सकता है, लेकिन घर अगर ऐसा नहीं किया तो ईंट, गारा, चूना, पत्थर और सीमेंट बजरी का ही घर रहेगा, वो आपका मंदिर नहीं बन सकता है। लेकिन फिर भी अगर ग्रहों की तकलीफ है तो आप उससे शुक्रवार के दिन नाग केसर के पुष्प लाकर घर में ऐसी जगह पर रख दें जहां बाहर वाले व्यक्ति उसे देख न दे। तिजोरी, अलमारी में, मंदिर में किसी जगह पर आप रख दीजिए, और हो सके तो थोड़े थोड़े नाग केसर के पुष्प सारे घर के परिवार वालों को लाकर एक जगह पर रख देने चाहिए, उसको बांध देना चाहिए। ऐसा अगले शुक्रवार में पेड़ पौधे में डाल दीजिए। एक सप्ताह देखिए कि घर में शांति रहती है, इसे कंटिन्यू करना शुरू करिए, लाभ मिलेगा।
अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी और अपनों की कुंडली खोलकर देखें, क्या आपकी कुंडली में अपने बच्चों से धन प्राप्त करने का योग है, यानी पुत्र के द्वारा या पुत्री के द्वारा। हालांकि जो माँ बाप बहुत ज़्यादा खुददार होते हैं, वो ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे बच्चों की कमाई की वजह से हम चलें। स्पेशली पिता ये कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटी कमाए और हम उसे खाएं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए जो मैंने कहा है, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, अब बेटा उस पर तरक्की कर रहा है, धन कमाने की योग है, यानी आपकी कुंडली में पुत्र के द्वारा या पुत्र के धन कमाने का क्या योग है। इसके लिए अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बलि हो, यानी लग्न के लॉर्ड उच्च राशि के हैं, मित्र के घर में हैं, नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं, 4-10 का संबंध बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में द्वितीयेश और पंचमेश, यानी सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस जो संतान का होता है, सेकेंड हाउस धन भाव का होता है, इन दोनों का योग बन रहा है साथ में, यानी युति बन रही है। तो भाग्य उदय पितृ के द्वारा पिता के माफ करेगा भाग्य उदय पुत्र का पिता के लिए होता है। जैसे कई बार पिताजी की खुद की फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपने हिसाब से कुछ काम कर रहे हैं, उससे सब लोग की आमदनी हो रही है। यदि आपकी कुंडली में पंचमेश यानी बच्चों के घर के लॉर्ड नवमेश यानी नवम भाव में स्थित हो, माफ करेगा पंचमेश नवम भाव में स्थित हो, दूसरा इसमें पुत्र हो या पुत्री हो, संतान धनवान बनती है, संतान को धन का लाभ मिलता है। साथ में पुत्र कारक गुरु जन्म कुंडली में पंचम भाव में स्थित हो और उस पर नवमेश की दृष्टि हो, यानी भाग्यस्थान के लॉर्ड की दृष्टि हो, तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले वाला योग है। अब आप लोगों को मैं ये इसलिए बताता हूँ ताकि ज्योतिष में आपका विश्वास है, इसीलिए आप ये कार्यक्रम देखते हैं, इसमें और कुछ सीखने को मिल जाए, अपना या अपनों की कुंडली देखने को मिल जाए, तो कितना मजा आएगा। अब मैं आप सभी को छोटा सा मेरा स्केड्यूल बता रहा हूँ। अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो मैं 7 सितंबर को काठमांडू, 27 सितंबर को दुबई और 28 सितंबर को अबूधाबी में रहूँगा। उसके बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैं इंग्लैंड, जर्मनी और इटली की यात्रा पर जा रहा हूँ। नवंबर में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा पर हूँ। अगर आप भारत में रहते हैं तो 30 अगस्त को मैं मुंबई रहूँगा, 31 अगस्त को पुणे, 6 और 20 सितंबर को दिल्ली, 9 सितंबर को नैनीताल, 13 सितंबर को अहमदाबाद, 14 और 26 सितंबर को मुंबई, 15 सितंबर गोवा, 21 सितंबर कोलकाता, 22 सितंबर पटना में रहूँगा। अगर आप इन शहरों या देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप हमारी मासिक पत्रिका ग्रहों का खेल के सदस्य बनें। ये गणपति बापा विराजमान है, गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी, श्राद्ध पक्ष और नवरात्रि के इसमें एपिसोड इसमें आर्टिकल्स हैं। और साथ में आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और शेयर चैट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक या डिसलाइक करें, साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब मुझे अपनी वाणी को यही विराम देने की इजाज़त दीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका शुक्रवार शानदार गुजरे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, कि ये आनंद देने वाला फ्राइडे रहे। आप मुझे इजाज़त दीजिए, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।